आप सभी को नमस्कार मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे एकदम मस्त होंगे दन दनादन धन दन दन होंगे सुबह का जो बैच होता है ना मतलब तो ऐसे तो मैं हर बैच में सब में मैं अच्छा पढ़ाता हूँ लेकिन सुबह का जो बैच होता है मॉर्निंग का सबसे बेस्ट माना जाता है छात्र के लिए क्योंकि सुबह में क्या होता है जो हमारा माथा होता है जो दिमाग होता है उसकी ना ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है कभी क्यों क्योंकि अभी बिल्कुल ही रिलैक्स्ड मोड में होता है ये एकदम प्लीज वर्जन में लेके आता है पूरा एकदम ये बेस्ट बैच है और रेलवे का इसीलिए बैच कि मैंने टाइमिंग यही रखी है जबरदस्त आपका भी माइंड एकदम बहुत हेल्दी मोड में है आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं चीजों को क्यों क्योंकि रेलवे का मैथ बहुत ही अच्छा होता है ये मैंने पहली क्लास में ही आपको बता दिया था रेलवे में अगर नौकरी लेनी है तो आप मैथ को बहुत ही अच्छा रखो अगर मैथ अच्छा नहीं आपका रेलवे में ना कर करके रह जाओ नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि इसका किसी भी कोई भी फॉर्म भरी आप रेलवे के कोई भी फॉर्म को आप भरेंगे तो उसमें मैथ बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इंग्लिश आती ही नहीं आती और कभी भी रेलवे की जो मेरिट लिस्ट बनती है वो मैथ से बनती है रीजनिंग और जीके के जी एस ई जी सेक्शन में आता है लगभग लगभग हर स्टूडेंट करके आ जाता है तो सबको तो नौकरी नहीं मिली ठीक है ई जी सेक्शन का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये नहीं कि नहीं पढ़ना पढ़ना सबके डेट में आज के डेट में किसी पेपर को हल्के मत लेना मैंने सिर्फ ये क्या है कि अगर कंपैरिजन किया जाए रीजनिंग और जीके जी एस का मैथ से तो मैथ ज़्यादा हार्ड होता है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कह घबराइए मत मुझे समय देना आप अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा वक्त वक्त देना बहुत जरूरी है आप घबराइए मत कह हूँ आर पार करूंगा अगर रेलवे का एक भी क्वेश्चन छोटा तो मुझे आप बताना टेंशन मत लीजिए खाली पढ़ाकू बनिए कमिटमेंट ले लीजिए पढ़ने पर फोकस कीजिए क्योंकि इसका मैथ आसान नहीं है मैं एकदम जीरो से उठाया हूँ एकदम टॉप तक ले चलूँगा जितना आता है उससे बीस परसेंट तीस परसेंट मैं ज़्यादा ही करवाऊँगा ठीक है चलिए तो आज जो है दूसरी क्लास है पहली क्लास मैंने दे दी है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं आपको करवा रहा हूं नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन इसको शॉर्ट में बोला जाता है एन इसकी क्लास नंबर टू है आपके आज नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन संख्या पत्ति और सरलीकरण ये रेलवे के मैथ का बहुत बड़ा पार्ट होता है चार से पाँच क्वेश्चन रेलवे के किसी भी एग्जाम में यहीं से आते हैं आप इतना अंदाजा लगा लीजिए कि इसमें मैं आपको लगभग 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 बीस से बाईस क्लासेस दूंगा तो आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा पार्ट है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन ठीक है 20 से 22 क्लासेस लगेंगी आपके मैथ का लेवल अगर खराब होगा तो इसमें ये भी अच्छा हो जाएगा एक फायदा होता है बेसिक मैथ होता है और मैथ को आप समझने भी लगेंगे इसमें छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं उसके बाद फिर हम चैप्टर पर चलेंगे अनुपात एल सी एम एस सी एफ अनुपात समुपात रेशियो एंड प्रपोर्सन औसत एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस फिर आपका तीन सेक्शन में मैथ बता हुआ है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पहले क्लास में नहीं बताया था दूसरा अर्थमेट्रिक यानी कि अंक गणित तीसरा एडवांस मैथ तो पूरा आपको पढ़ना है घबराना नहीं एकदम सिस्टम से चलेंगे धीरे धीरे चलेंगे अभी कोई एग्जाम तो है नहीं आपको टेंशन ही लेना है आराम से पढ़ना है क्योंकि ज्यादा अगर प्रेशर लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा दो चार पांच दस पंद्रह क्लास के बाद बहुत जाने लगेगा और रोज का रोज पढ़ना ठीक है चलिए तो आज का जो टॉपिक है पहले आप टॉपिक का नाम लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला आज का आज का टॉपिक है रूट नंबर पहले टॉपिक का नाम लिख लेना आप रूट नंबर रूट संख्या आज का जो टॉपिक है वो है रूट नंबर रूट संख्या गुड मॉर्निंग सर आई कैन अंडरस्टैंड बोथ हैंड इंग्लिश हिंदी विप्लॉग जगदीश नमस्कार आप सबको जगदीश सरकार सबको आपको एकदम सही है ठीक है आप समझ सकते हैं ना हाँ ठीक है कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा तो आज का टॉपिक है रूट नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट नंबर ठीक है आज के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं होगी रूट कहता तो हूँ पूरा दिमाग में रूट छापूंगा खाली ध्यान से सुनते जाना आराम से ये बहुत हैवी टॉपिक है ध्यान सुनिएगा बहुत बड़ा पार्ट है रूट नंबर स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है मैथ के अंतर्गत या तो रूट में या पॉइंट में रूट में या में या पॉइंट अगर आपने रूट देख लिया या पॉइंट देख लिया तो आपकी धड़कने बढ़ जाती है यही टॉपिक है इसमें रूट भी आएगा पॉइंट में आएगा जीरो से उठाएंगे टॉप तक ले चलेंगे ये आज कंप्लीट भी नहीं होगा इसकी दो क्लास लगेगी ठीक है चलिए देखिए पहले आप समझ लेना नोट बाद में करना आप लोग पहले समझ लेना मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगा पहले समझ लेना तब आप नोट करना देखिए रूट नाइन आप रूट नाइन को तोड़ते हैं तो आपको इतना पता होगा रूट नाइन का क्या होता है थ्री ये तो उतना पता होगा बहुत बेसिक चीज है तो ये कैसे निकालते हैं तो आप क्या करते हैं जो अंदर में नंबर होता है जैसे रूट नाइन है अंदर में जो नंबर है इसको आप क्या करते हैं तोड़ देते हैं इसको क्या करते हैं तोड़ देते हैं छोटे से छोटे पार्ट में ब्रेक करते हैं रूट नाइन का आंसर क्या होता है थ्री तो कैसे निकालते हैं तो जो अंदर में नंबर है इसको छोटे से छोटे में ब्रेक कर देते हैं छोटे छोटे में तोड़ देते हैं तो नाइन को क्या लिख सकते हैं तीन तीन या नौ थ्री थ्री या नाइन अब इसका एक पेयर बना लेते हैं इसका एक पेयर बना लेते हैं दो का पेयर बना लेते हैं जोड़ा बना लेते हैं और इसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं ये आपका आंसर हो गया मान लीजिए आपको कोई कह को रहा है ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी फाइव को क्या करते हैं हम अंदर वाले नंबर को तोड़ते हैं फाइव इंटू फाइव और इसका ब्रेक कर देते हैं तोड़ देते हैं छोटे छोटे पेयर बना लेते हैं और एक बाहर निकालते हैं ठीक है कोई भी नंबर मान लीजिए रूट सिक्सटीन है रूट सिक्सटीन को क्या करें छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करना है छोटे से छोटे में दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह टू टू जहा फोर टू जाट टू जा सिक्सटीन तो आप तोड़ दिए छोटे से छोटे में तोड़ना है इसका पेयर बना लेते हैं इस दो में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो एक दो फिर इस दो में से एक बाहर निकाल लेते हैं तो एक दो दुनी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं फोर इंटू फोर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फोर इंटू फोर इसका पेयर बनाएंगे और बाहर निकालेंगे चीजें एक ही है आंसर सेम आया ठीक है अभी देखिए आप अभी किसी भी नंबर को छोटे से छोटे में ब्रेक करने की कोशिश करना जब आप ये समझ जाओगे तो यह सब लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ओरली स्टूडेंट बोल देता है लेकिन अभी आपको समझना है पूरा पार्ट ये पूरा टॉपिक तो अभी आप छोटे से छोटे नंबर में ब्रेक करना किसी भी नंबर को छोटे से छोटे में ब्रेक करना जिनका लेवल बहुत खराब है मैथ बहुत कमजोर है तो आप इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं फैक्टर मेथड जिसे बोलते हैं एलसीएम टाइप दो से आठ दो से चार दो से दो कोई दिक्कत नहीं ऐसे भी तोड़ दीजिए ठीक है अगला देखिए रूट एट छोटे से छोटे में ब्रेक करना है रूट एट टू इंटू टू इंटू टू अगर फोर इंटू टू लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा अभी आपको सीखना है तो बार बार कराओ छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ो अब ये तो नहीं टूट पाएगा एकदम छोटे छोटे से छोटे पार्ट में अब इसका पेयर बनाइए तो 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 पेयर पेयर बना लिए दो का पेर, तो एक तो बाहर निकालिए लेकिन इसका पेयर तो नहीं बना तो जिस नंबर का पेयर नहीं बनता है उसको रूट के अंदर ही रखा जाता है टू रूट टू इसका आंसर होगा रूट एट का आंसर क्या होगा टू रूट टू आप नंबर को छोटे से छोटे में ब्रेक करेंगे और पेयर बनाएंगे दो का हमेशा पेयर बनाना है इसके अंदर अब इसका पेयर बना तो एक बाहर निकाल लिए इसका पेयर तो नहीं बना जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रूट के अंदर ही रहेगा रूट ट्वेंटी फोर मान लीजिए आपको कह रहा है बताओ क्या होगा रूट ट्वेंटी फोर तो छोटे से छोटे में ब्रेक करो ट्वेंटी फोर दो दुनी चार दुनी आठ त्रिक चौबीस टू टू जा फोर टू जाट थ्री जा ट्वेंटी फोर अब पेयर बनाओ एक बाहर निकाल लिए लेकिन इन दोनों का इसका तो पेयर नहीं बना पेयर हमेशा सेम का बनता है जानते हैं ना कभी भी दो का पेयर तीन से मत बना देना पेयर जो है हमेशा समान गुण वालों का मिलता है जिसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं तो ये दो है और ये तीन है इसका पेयर तो नहीं बना इसको क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दो और रूट के अंदर रखो दो तिया छू थ्री सिक्स टू रूट सिक्स इसका आंसर क्या आया टू रूट सिक्स आई बात समझ में कंप्लीट है मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है रूट न आपको कोई कह रहा है सोल्यूशन करो रूट टेन को क्या लिख सकते हो टू मल्टीप्लाई फाइव इसका तो पेयर नहीं बन रहा है पेयर नहीं बन रहा फिर क्या आ जाएगा रूट टेन रूट टेन मतलब रूट टेन सोल्व नहीं होगा पेयर नहीं बनेगा फिर यह बात अलग है कि आप रूट टेन को आप ये भी लिख सकते हो टेन का पावर हाफ अगर रूट तोड़ोगे तो किसी नंबर का पावर हाफ आता है लेकिन अभी आपको फोकस इस नहीं करना अभी ये बात की चीज है ये बाद में सिखाऊंगा कोई कह रहा है आपको कि रूट थर्टीन क्या होगा टूटेगा ही नहीं रूट थर्टीन क्या हो जाएगा रूट थर्टीन हो जाएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा वो एज इट इज रख दो इसको फिर थर्टीन का पावर हाफ लिख सकते हैं वो बात की बात है अभी वहां फोकस नहीं करना है वो पहुंचेंगे वहां बाद में पहुंचेंगे रूट। ये क्लियर है मैं दस सेकेंड का टाइम देता हूं फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग और पिछला जो क्लास मैं दिया था उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है उसका आपको जो है पी मिला होगा प्रैक्टिस सेट का तो आप जब क्लास ले लेते हैं तो वो प्रैक्टिस सेट का पी बनाइएगा जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं ठीक है प्रीवियस सर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो ध्यान रखिएगा हर तरह का क्वेश्चन होता है रोज का रोज पढ़िए अभी हफ्ते मैंने तीन दिन किया है एमडब्ल्यूएफ बाद में देखेंगे अगर कोई एग्जाम आता है तो इसको रेगुलर करेंगे लेकिन अभी नहीं तो अभी स्टार्टिंग है अभी ज़्यादा प्रेशर लेंगे गड़बड़ा जाएगा मैथ बहुत बड़ा है आपका नोट कर लिए होंगे चलिए अब अगला देखिए अब आप गौर से यहां पर देखना अब ध्यान से देखना यहां पर अभी तक मैंने आपको जितने भी नंबर दिए हैं ये देखिए नंबर दिए हैं आप ध्यान से देखना अब आगे बढ़ेगा स्टेप बाय बढ़ेगा अब यहाँ देखना ये जो एंगल है ये ये एंगल जो है ये ये जो एंगल है ये खाली है देखो यहाँ पे ये खाली है कुछ नहीं है ये एंगल देखो यहाँ खाली है देखो ये खाली है ये खाली है ये खाली है ये एंगल क्या है खाली है ध्यान से देखो जगह एंगल खाली है अब देखो अब यहां पे कोई नंबर आएगा ये खाली है कि नहीं एम है कुछ नहीं है इसके अंदर खाली है तो अब यहां पे क्या है ध्यान से सुनना अब यहां पर अब ध्यान से देखना यहां पे अब देखिए अब मैंने आपको दिया थ्री रूट एट मैंने एंगल में थ्री डाल दिया है यह ध्यान से समझिएगा अभी तक जो पिछला क्वेश्चन था ये जो एंगल था ये एंगल ये देखिए सब खाली है ये इसमें कुछ नहीं है है ना खाली है तो जब खाली होता है तो यहां पे टू माना जाता है जब यहां पे खाली हो तो क्या माना जाता है टू माना जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कहूं रूट ट्वेंटी फाइव टू रूट ट्वेंटी फाइव में क्या होगा तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है बोथ द क्वेश्चन आर सेम इसका भी आंसर क्या होगा फाइव और इसका भी आंसर क्या होगा फाइव ये दोनों चीजें सेम है अगर यहां पर खाली है तो आप टू लगा सकते हो चाहे नहीं लगा सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर खाली है तो यहां पर टू माना जाता है टू लगाओ चाहे नहीं लगाओ, लगाओ। मॉडर्न मैथमेटिक्स में नहीं लगाया जाता आई बात समझ में ठीक है अब यहां पे देखिए अब यहां पर क्या हो सकता है यहां पे थ्री हो सकता है यहां पे फोर हो सकता है यहां पे फाइव हो सकता है यहां पे सिक्स हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो अब देखिए यहां पर अब मान लीजिए थ्री रूट एट ठीक है तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो थ्री यहां पर है थ्री अंदर वाले नंबर को ब्रेक करो दो दूनी चार दुनी आठ टू टू जा फोर टू जाइट एकदम छोटे से छोटे में ब्रेक करना है ब्रेक करो और पेयर बनाओ तीन का पेयर बनाना है अगर यहां खाली है तो दो का पेयर बनाना है लेकिन अगर यहां पे तीन आ गया थ्री आ गया तो अंदर वाले नंबर को तीन का पेयर बनाना है अगर यहां पे फोर आ गया चार आ गया तो अंदर वाले नंबर को चार का पेयर बनाना अगर यहां पे पांच आ गया तो अंदर वाले नंबर को पांच का पेयर बनाना है समझ गए ये जो होता है ये इसके अंदर जो नंबर होता है इसे पेयर नंबर बोला जाता है जोड़ा संख्या पेयर नंबर ये ये बतलाता है कि अंदर वाले नंबर को कितने का पेयर बनाओगे आप पेयर इंडिकेटर बोलते हैं इसको अंदर तो अब यहाँ पे थ्री है तो अंदर वाले नंबर को तोड़िए तो थ्री का पेयर बनाइए थ्री का इसमें से एक बाहर तो तोड़िए आप ठीक है तोड़िए रूट सिक्सटीन को तोड़िए फोर है तो यहाँ सोलह को तोड़िए छोटे से छोटे में दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह अगर फोर इंटू फोर लिखोगे तो क्लियरिटी नहीं आएगा छोटे से छोटे में ब्रेक कर देना यहां फोर है तो फोर का पेयर बनाओ इसमें से एक बाहर निकालो कितना आएगा आएगा बात को समझ रहे हैं अगर मान लीजिए पे फाईग है फाईग रूट टू, तो अंदर वाले नंबर का का कितने पेयर बनाओगे फाइव का पेयर बनाओगे ये बहुत ये जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइव सिक्स सेवन कितना भी हो सकता है टेन तक जाता है रेलवे के एग्जाम में टेन तक क्लियर करना है तो बेसिक मैथ बहुत अच्छा रखना है अभी तो दूसरी क्लास है धीरे धीरे आप सीखेंगे ठीक है आपका मैथ जो है बहुत रिस्पेक्टफुल मैथ है ये ध्यान रखना मामूली मैथ नहीं है मैं आपको पहले ही सतर्क कर दे रहा हूँ ठीक है अब स्टार्टिंग है धीरे 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 मैथ मैं आपके पूरे दिमाग में घुसा दूंगा टेंशन कोई बात नहीं है आपको टेंशन ही लेना है क्योंकि पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी करूँ पूरा मैथ दिमाग में घुसाऊंगा आपको पता नहीं चलेगा हार्ड लगेगा ही नहीं खाली घर पे रोज का रोज पढ़ना फाइव है यहाँ पे तो क्या हो गया ये अंदर वाले नंबर को फाइव को तोड़ो दो दुनी चार दूनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस यहाँ फाइव है कितने का पेयर बनाओगे बाहर निकल आई बात समझ में कोई भी नंबर मान लीजिए यहाँ पे फोर रूट एट्टी वन है कह रहा है बताओ क्या होगा तो फोर रूट एटी वन तोड़ो फोर एटी वन तो तीन गुने तीन गुने तीन गुने तीन, गुने तीन। बेसिक मैथ अच्छा रखना है एट्टी वन को तोड़ोगे तो तीन मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री अगर दिक्कत हो तो आप एटी वन को ऐसे तोड़ दीजिए थ्री से लेवल लो है तो फिर ऐसे तोड़िए कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पे क्या है फोर का पेयर है तो फोर का पेयर बनाओ बाहर निकालो कितना आया आंसर थ्री आया आंसर अब देखिए अगला मोस्ट इंपोर्टेंट है मैंने दिया थ्री रूट ट्वेंटी फोर अगला ध्यान से देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये थ्री रूट ट्वेंटी फोर तोड़ो थ्री ट्वेंटी फोर को तोड़िए दो दूनी चार दूनी आठ त्रिक चौबीस तोड़ दिया आपने यहां कितना है थ्री है तो थ्री का पेयर बनाओ बनाओ बाहर निकालो एक थ्री में से बाहर निकालिए कितना हो गया टू लेकिन इसका पेयर तो नहीं बना तो इसका पेयर नहीं बना तो क्या करेंगे रूट के अंदर रखेंगे तो रूट के अंदर रख दीजिए रख दिया लेकिन ये आंसर अभी गलत है ये सही आंसर नहीं निकला अब आप गौर करो देखो यहां पे यहां पे कितना है ये थ्री है यहां पे कितना है थ्री और आपने यहां क्या किया है खाली छोड़ दिया है अगर आपने यहां पे खाली छोड़ दिया तो क्या माना जाएगा खाली है तो क्या माना जाएगा अगर यहां खाली है तो क्या माना जाएगा टू माना जाएगा लेकिन यहां पे है कितना थ्री तो ये जो थ्री है आपको यहां पे लगाना पड़ेगा अब ये सही हुआ टू, थ्री, रूट थ्री, इसका आंसर जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर रखना है लेकिन ये देख लेना है पेयर नंबर क्या है आई बात समझ में कोई भी नंबर रुक जाइए कोई भी नंबर मैंने आपको दे दिया फोर रूट थर्टी टू मैंने कहा बताओ क्या होगा टो रू फोर थर्टी टू को तोड़िए दो दुनी चार दुनी आठ दूनी सोलह दूनी बत्तीस कितने का पेयर बनाओगे फोर है तो फोर का पेयर बनाओ एक बाहर आपने निकाल लिया लेकिन इसका पेयर नहीं बना तो इसको क्या करोगे रूट के अंदर रखोगे लेकिन अगर आपने यहां खाली छोड़ दिया तो क्या माना जाएगा दो माना जाएगा टू माना जाएगा यहाँ पे है कितना फोर तो ये फोर लगाना पड़ेगा आपको टू फोर रूट टू होगा आई बात पूरी समझ में ये स्टेप क्लियर है कितना भी भयंकर हो बना लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखना खूब मेहनत करना घर पे क्लियर है यहां तक बताओ क्लियर है और नोट करो आप देखो यहां पे मान लो एक मिनट और मान लीजिए यहां पे कोई देता थ्री रूट मान लीजिए कोई कहता थ्री रूट फाइव पूछ बताओ क्या होगा तो फाइव तो टूटेगा ही नहीं फाइव नहीं टूटेगा एज इट जाए इज आ जाएगा थ्री रूट फाइव ये बात अलग है थ्री रूट फाइव को आप ऐसे लिख सकते हो फाइव का पावर वन बाय थ्री वन बाय लेकिन ये बात की चीज़ है अभी यहाँ पे फोकस मत करना आयो जिसका पेयर नहीं बनेगा वो इज जाएगा कोई पूछेगा आपको फोर रूट फोर रूट सेवनटीन क्या होगा तो सेवनटीन तो टूटेगा नहीं एजेटी जा जाएगा फोर रूट सेवनटीन आई बात समझ में यहां तक क्लियर है मुझे ओके करो और फट से नोट करो आप, आप नोट कर लेते हैं तो मुझे वोके लिख दीजिए हाँ सर नोट कर लिए और कौन कौन स्टूडेंट्स लाइव हैं एक बार मुझे बताना सर हम लोग हैं प्रजेंट सर प्रजेंट सर एक बार बताइए मुझे ताकि मैं देखूँ कितने स्टूडेंट्स लाइव हैं बहुत सारे तो नहीं आ पाते हैं लाइव मॉर्निंग में बाद में देख लेते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है नोट कर लिए हैं कंप्लीट है सबसे आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं चलिए अब देखिए अगला ये भी नोट कर लिए हैं क्लियर है चलिए अब आप देखिए यहां पे तो अब मैं आपको बता दूं देखिए अगर यहां खाली है पहला आपका टाइप था यहां खाली है तो यहां खाली है तो क्या माना जाता है टू माना जाता है टू लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ठीक है ये तो समझ के दूसरा टाइप अब यहां पर खाली नहीं रहेगा यहां पे क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा फोर आ जाएगा फाइव आ जाएगा कुछ भी आ जाएगा सिक्स आ जाएगा सेवन आ जाएगा तो ये पार्ट भी आप बना लोगे दूसरा टाइप का रूट होता है ये ये बना लोगे अब अब देखो अब इसका थर्ड टाइप क्या होता है अब में होता है? अंदर में भी पावर रहेगा अगला टाइप क्या होता है ध्यान ध्यान से से देखिए अंदर में भी पावर रहेगा देखना जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको यहां पे ध्यान से देखिए और टू का पावर सिक्स अंदर में नंबर के ऊपर पावर कर देगा ध्यान से देखिए नेक्स्ट टाइप अंदर में नंबर के ऊपर पावर देगा देखो जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं मैं आपको आपको कुछ नहीं करना है ठीक है आपको क्या करना है जब भी अंदर में अंदर में नंबर वाले का पावर हो तो आपको कुछ नहीं करना है यहां जो नंबर होगा इससे इसको डिवाइड कर देना थ्री टू जा सिक्स अब यहां टू आया तो ये जो टू जो आया वो इसका पावर होगा तो टू का पावर टू टू का पावर टू कितना होगा इसका आंसर फोर होगा जब भी ऐसे नंबर आए आपको ऐसे ही करना है मान लीजिए यहां दिया हुआ है फाइव मान लीजिए यहाँ दिया हुआ है फाइव अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है सेवन का पावर फिफ्टीन पूछ रहा है बताओ कितना होगा आंसर ये एक सेकेंड में आंसर निकलेगा क्या करोगे इस फाइव से इसको काट दोगे अब क्या हो गया ये सेवन का पावर थ्री तो सेवन का पावर थ्री क्या होगा थ्री फोर्टी थ्री याद है पहली क्लास में क्या बोला था सेवन का क्यूब याद कर लिए है ना वन से लेकर के थर्टी टू तक का स्क्वायर वन से लेकर के ट्वेंटी वन तक का क्यूब याद रखना बहुत है। It's a very, very important. जरूरी है इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट जरूरी है सेवन का क्यूब कितना होगा थ्री फोर्टी थ्री कंप्लीट है कोई दिक्कत तो नहीं मान लीजिए यहां पे आपको दिया हुआ है। कोई भी मान लीजिए यहां पे दिया हुआ एट एट मान लीजिए यहां पर दे दिया एट का पावर सिक्सटीन का बताओ क्या होगा इसका आंसर ठीक है एट टू जा सिक्सटीन आठ का स्क्वायर कितना हो जाएगा चौंसठ इसका आंसर कितना होगा चौंसठ ये बात आई समझ में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दो का पावर दो का पावर चौदह टू का पावर फोर्टीन कह रहा है बताओ सॉल्व करो कितना होगा अब देखो तो यहां तो कोई नंबर नहीं है यहां है कोई नंबर यहां अगर कोई नंबर नहीं है तो क्या माना जाता है यहाँ क्या माना जाएगा अगर खाली है तो टू माना जाएगा माना जाएगा टू अब इस टू से काट दो, दो से दो सत्ते चौदह अब टू का पावर सात दो का पावर सात इतना तो पता होगा दो का पावर सात नहीं दिक्कत है गुना कर लीजिए दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह चौसठ दो का पावर कितना सात चौसठ होता है चौसठ एक सौ अट्ठाइस होता है दो का पावर सात है पावर टेन तक कितना होता है यह भी आपको पता होना चाहिए दो का पावर पांच तक तो पता होता है कि दो का पावर पांच बत्तीस होता, तो होता है दो का पावर छः चौंसठ होता है दो का पावर सात दो का पावर सात एक सौ होता है दो का पावर आठ दो सौ छप्पन होता है दो का पावर नौ 512 सौ बारह होता है आठ का क्यूब होता है ये दो का पावर नौ दो का पावर दस एक हजार चौबीस होता है बत्तीस का स्क्वायर होता है दो का पावर दस ये सब थोड़ा माइंड में रखिएगा अभी धीरे धीरे कुछ चीजें देखिए कॉम्पिटिटिव मैथ है हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है जो हर चीज वहां पे हम निकालेंगे ये सब बेसिक चीज़ें होते हैं दो का पावर दस तक कितना होता है आपको पता होना चाहिए दो का पावर दस तक कितना होता है एक हजार चौबीस कहीं दो टू का पावर नाइन दिखा फट से क्या लिखेंगे वन जीरो टू फोर या कहीं एक हजार चौबीस दिखा तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या लिख सकते हैं टू के टर्म में टू का पावर टेन आई बात समझ में क्लियर है तो बना लेंगे इस तरह के ये दूसरा टाइप हो तीसरा टाइप होता है देख लीजिए नोट कर लीजिए और कौन कौन अभी प्रेजेंट है एक बार मुझे मारिया यस सर यस सर यस सर करके भेजिए और समझ में आ रहा है आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीथिंग इज ओके एक बार मुझे बताइए सब कुछ ठीक चल रहा है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम जीरो से उठाए टॉप तक और इसकी एक क्लास और लगेगी ठीक है कंप्लीट है अब आप यहां ध्यान से देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। तो रूट नंबर जो है क्लियर है ना सबसे ठीक है अब आप तीनों टाइप में देखना ध्यान से देखो ओके सौरभ सौरभ ठीक है ना ओके जी समझ में आ रहा है सब कुछ दिक्कत हो पूछ लीजिएगा ऐसे अगर आप मेरे क्लासेज अगर पूरी ईमानदारी से देखेंगे ना आपको दिक्कत होगी ही नहीं होगी मैं आपको लिख के देता हूं खाली मैं जो कहता हूं उस बातों पे फोकस करना ठीक है अब देखो आप गौर से देखो इन तीनों ही टाइप में आप ध्यान से देखो इसके पीछे इसके पीछे देखो ये जो एंगल है एक तो एक तो नंबर यहां रहता है इसके पीछे ध्यान देखो यहां कोई नंबर नहीं दिया है इसके पीछे इसके पीछे इसके एंगल में नहीं एक नंबर जो होता है वो एंगल में होता है एंगल के अंदर होता है एक नंबर आ एक नंबर यहाँ होता है इसके बाहर देखो कहीं भी नंबर नहीं दिया देखो इसके बाहर है कोई नंबर इसके बाहर है कोई नंबर अब इस टाइप वाले में भी देख लो देखो इसके बाहर नंबर है कोई इसके बाहर कोई नंबर है इसके बाहर कोई नंबर है इसके बाहर कोई नंबर है है इसके बाहर नंबर इसमें भी देख लो इसके बाहर है कोई नंबर सब जगह खाली है ध्यान से देखना मैं पहले बोल दिया था ये तुरंत टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट कहता रहो आज के बाद आपको यहाँ से क्वेश्चन छूटेगा नहीं टॉप तक ले चलूंगा घबराना नहीं है खाली सिस्टम से बढ़ना है ठीक है तो अब इसके पहले क्या होता है कोई नंबर यहां पे डाल देगा अब इसके पहले कोई नंबर डाल देगा इसमें से तीनों में से किसी में इस टाइप में भी या इस टाइप में भी या इस टाइप में भी इससे पहले कोई नंबर डाल देगा अब जैसे देखिए मैंने नंबर डाला ध्यान तो दे बहुत सिंपल है मैंने नंबर डाल दिया दे। देखिए आप इसको तो सॉल्व कर लेंगे मान लीजिए मैंने आपको दिया थ्री रूट एट ये तो आप सॉल्व कर लेंगे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आपको अब ये बताया था अंदर वाले नंबर को क्या करेंगे पेयर तोड़ेंगे दो दूनी चार दूनी आठ और तीन है तो तीन का पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे इसका आंसर क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है अब इसके पीछे कोई नंबर डाल देगा मान लीजिए मैंने यहां पे नंबर डाल दिया फाइव फाइव थ्री रूट एट मैंने क्या डाल दिया इसके पीछे कोई नंबर डाल दिया कुछ नहीं करना है आपको इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है बस मल्टीप्लाई कर देना आप इसके और इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है कुछ नहीं करना है मल्टीप्लाई फाइव और थ्री रूट एट इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लाई कर दो दोनों को अब आपको तो पता है फाइव और थ्री रूट एट आपने भी सॉल्व किया है टू मैं डायरेक्ट रख दू यहां पे टू तो कितना हो गया आंसर टेन हो गया इसका आंसर कितना हो गया टेन कुछ नहीं है इसके अंदर क्लियर है कोई भी वर्जन में इसके पीछे कोई नंबर दे दिया वही करना आपको बात को समझ रहे हैं आपको क्वेश्चन कहा बताओ क्या होगा इसके और इसके बीच में क्या है मल्टीप्लाई है कुछ नहीं है इसके बीच में तो क्या करना है थ्री मल्टीप्लाई इसको तोड़ दूं मैं सॉल्व कर दूं सईस को क्या लिखोगे तीन गुने तीन गुने तीन एक का पेयर बनाओ एक बाहर निकालो एक तीन कितना आ गया नाइन आ गया ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं कंप्लीट हो रहा है सबसे मैंने आपको नंबर दे दिया फोर फाइव टू का पावर टेन बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये ट्रेंडिंग में आजकल प्रचलन में है ये नंबर विद्यार्थी की धड़कने बढ़ जाती है बाबरे बाप क्या करेंगे कुछ नहीं करना है देखो तो कितना इजी तरीके से मैं आपके दिमाग में फिट कर दिया हूं कुछ नहीं है इसके और इसके बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई तो ये हो गया फोर मल्टीप्लाई इसको तो अभी करना सिखाया था इससे इसको भाग दे देंगे पांच, दस, अब ये दो आया इसका दो, तो दो का पावर दो कितना हो गया चार कितना हो गया सोलह हो गया आई बात समझ में ओके करो और नोट करो फट से ओके कीजिए और नोट कीजिए फट से देखिए फटाफट कंप्लीट है ओके है ना चलिए कोई दिक्कत तो नहीं तक चलिए अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं ठीक है तो ये तो समझ गया अब देखो वो करता क्या है ये आपको सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है और ये ना प्लस माइनस के टर्म में देता है सिंगल भी पूछ देता है या प्लस माइनस के टर्म में देता है अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं यहां पे ध्यान देखिए क्वेश्चन दिया आपको फोर रूट नाइन माइनस थ्री फोर रूट नाइन माइनस थ्री फोर रूट एटी वन प्लस 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 फोर फाइव रूट थर्टी टू आपको कहा बताओ सॉल्व करने के लिए क्या होगा इसका अब ये कुछ नहीं है ये बुर्वक बना रहा है आपको अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ये बुर्बक बना रहा है बकलोल बना रहा है कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में जाने नहीं है अब आपको सब आता है सिंगल सिंगल सॉल्व करना अब आप सब सिंगल सिंगल क्या करें सॉल्व करो। अब इसमें है कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं है अब आपको मैं दस सेकेंड का टाइम देता हूं मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा सबको सिंगल सिंगल सॉल्व कीजिए फटाफट कीजिए बताइए क्या होगा इसका आंसर बहुत सिंपल है बना लिए होंगे सब लोग ठीक है अब मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ देखिए क्या है ये तो बहुत ईजी है इस केस के बीच में क्या है मल्टीप्लाई नाइन को तोड़ेंगे थ्री इंटू थ्री एक थ्री बाहर निकालेंगे तो फोर को थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ट्वेल्व यहाँ माइनस है तो माइनस अब यहाँ पे थ्री

ठीक है मैं क्वेश्चन दे दूंगा यहां पे भी और प्रैक्टिस सेट तो मिलेगा वो तो थोड़ा हैवी क्वेश्चन होगा क्योंकि वो तो प्रीवियस के क्वेश्चन में ज्यादा होते हैं ठीक है तो फाइव कितना हो गया ये बाहर निकालिए टू कितना हो गया एट अब हो गया अब आप किसको सॉल्व करने आता है बारह में से नौ गया कितना हो गया तीन तीन प्लस आठ कितना हो गया है ग्यारह इसका आंसर कितना है ग्यारह आई बात समझ में अब ये कुछ नहीं है ये बुर्वक बनाता है अब इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं अब बहुत आसानी से बना सकते हैं कंप्लीट हो गया कोई दिक्कत तो नहीं एक क्वेश्चन आप मुझे बना के दिखाइए, अगला क्वेश्चन क्लियर है ना सबसे कोई दिक्कत नहीं ना एक अगला बना के दिखाइए यहां पे, टू थ्री टू का पावर सिक्स माइनस टेन थ्री बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं टेन थ्री टू वन सिक्स प्लस फोर फाइव का पावर फोर आपको सॉल्व करना है बताइए क्या होगा इसका आंसर धड़ाक से बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर एलेवन सही है ना चलिए फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा बना लिए होंगे सब लोग कुछ नहीं अब इसके अंतर्गत कुछ कह तो रहा कुछ है ही नहीं अब आपको सब कुछ मैं सिखा दिया हूं अगर किसी स्टूडेंट का लेवल लो होगा थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही होगी आपका काम है ये वीडियो फिर जैसे भी आप तो लाइव ले रहे हैं आधे घंटे पौन घंटे बाद आपका लाइव के बाद रिकॉर्डेड सेक्शन में चला जाएगा रिकॉर्डेड सेक्शन में सब कुछ आपको मिलेगा सब जाके आप आराम से देख सकते हैं दोबारा देख सकते हैं लेवल लो है तो आप वीडियो को थोड़ा बार बार देखिए आपको क्लैरिटी आएगी ठीक है देखिए कुछ नहीं है क्या करेंगे इसके इसके बीच में क्या है टू मल्टीप्लाई इसको तो सॉल्व कर दीजिए थ्री टू जा सिक्स दो दुनी चार चार दुनी आठ माइनस यहां क्या है टेन मल्टीप्लाई अब देखो ये चीज आपको पता होना चाहिए ये चीज नहीं पता है मैं पिछले क्लास बता दिया था ये क्या है सिक्स का क्यूब है सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स छः का क्यूब होता है दो सौ सो सोलह यह पता होना चाहिए तीन है पेयर लगाएंगे छह यहाँ क्या हो गया दस को छह से गुना करेंगे कितना हो जाएगा साठ ये क्या है यहां खाली है यहाँ खाली है तो टू माना जाएगा दो से दो दो नाच का स्क्वायर पच्चीस पच्चीस को चार से गुना करेंगे कितना हो जाएगा सौ हो जाएगा आई बात समझ में अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्लियर हो रहा है समझ में प्लस अब जैसे आपको उसको सॉल्व करना आता है आप सॉल्व कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं एक सौ में से साठ गया कितना हो गया चालीस अच्छालीस आठ कितना हो गया अड़तालीस फोर्टी एट आई बात समझ में सबको क्लियर है बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन में तो कहीं दिक्कत नहीं होगी ठीक है जी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके तरह अब देखो अगला पार्ट क्लियर है सबसे एक बार वो क्या करे तब मैं बढ़ू एक बार वो क्या करें आप लोग मैं कमेंट के लिए माउस में इधर कर देता हूं क्लियर है सबसे कोई दिक्कत तो नहीं बना लेंगे अब देखिए अब इसका जो अगला पार्ट है नेक्स्ट पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ध्यान से देखना मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहां तक क्लियर हो गया ना सबसे कोई दिक्कत नहीं ना चलिए चलिए एक क्वेश्चन और दे दूं क्या चलिए एक क्वेश्चन आप कह रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ही नहीं जरूरत लग रहा है part, अब देखो। अब आप यहां से समझना देखो रूट रूट ट्वेंटी फाइव है रूट ट्वेंटी फाइव का तो सॉल्यूशन आप निकाल लेंगे कितना होगा Five. अब आप ध्यान से देखोगे इट्स अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट रूट ट्वेंटी फाइव का तो अब आप निकाल लोगे है ना क्या होगा पांच होगा अब वो करता क्या है इसमें ना पॉइंट बिठाएगा ध्यान से सुनना पॉइंट बिठाएगा अब देखिए जब यहां खाली रहेगा ध्यान सुनना तो यहां खाली रहेगा तो क्या माना जाता है टू माना जाता है तो जब भी यहां खाली रहेगा तो वो जो पॉइंट बिठाएगा ध्यान सुनना वो जो पॉइंट बिठाएगा तो कम से कम दो अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा इसमें पॉइंट कैसे बिठा सकता है वो ऐसे दे सकता है जीरो पॉइंट टू फाइव कम से कम दो अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा या चार अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा वो ऐसे भी कर सकता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फाइव या ऐसे भी कर सकता है छह अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा जीरो पॉइंट जीरो 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 टू फाइव या ऐसे भी कर सकता है आठ अंक के बाद पॉइंट बिठा दे कुछ भी कर सकता है लेकिन कम से कम कितने अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा दो अंक के बाद वाले फिर चार अंक के बाद वाले तीन अंक के बाद पॉइंट नॉर्मली नहीं बिठाएगा ध्यान रखना अगर तीन अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा ये कैसे निकालोगे पेयर नहीं बनेगा ये गौर कर रहे हैं अगर यहां दो है तो कम से कम दो अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा फिर चार अंक के बाद फिर छह अंक के बाद बात को समझ रहे हैं ऐसे पॉइंट बिठाएगा तो देखो क्या करना है आपको इसमें मान लीजिए यहां पे आठ अंक के बाद दस अंक के बाद लेकिन उतना नहीं जाता है जैसा आपको जाए तो छे अंक तक तो चला जाता है बाकी कितना भी जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अब इसको क्या करेंगे देखिए बहुत सिंपल तरीका बताता हूं तो पच्चीस का वर्ग मूल तोड़िए पांच अब यहां पर दो अंक के बाद पॉइंट है तो जब दो अंक के बाद पॉइंट हो तो बाहर जो नंबर निकाले हो उसमें एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देना अब पॉइंट के पहले जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता इतना तो पता होगा पॉइंट के पहले और पॉइंट के लास्ट में आप जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता एक ही चीजें होती है आप पॉइंट फाइव लिखते या जीरो पॉइंट फाइव लिखते एक ही बात है तो जब यहां दो अंक के बाद पॉइंट हो तो बाहर जो नंबर निकाले उसमें एक अंक के बाद पॉइंट कर देना फिर नंबर का वर्गमूल निकालो तो पांच अब यहां पर चार अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर जो नंबर निकाले हो उसमें दो अंक के बाद पॉइंट बिठा दो तो दो अंक तो यहां है नहीं तो इतना तो बेसिक रूल पता होगा एक अंक है एक अंक नहीं है तो अपने मन से एक जीरो डाल के फिर पॉइंट बिठा देते हैं अब यहां जीरो लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है यहां पे छह अंक के बाद पॉइंट है तो पांच निकाले और छह अंक के बाद तो दो दो चार दो तो क्या करेंगे बाहर निकालेंगे तीन अंक के बाद आधा करते चले जाना तीन अंक के बाद जीरो जीरो पॉइंट एक मिनट यहां पॉइंट यहां जीरो डाल देते आई बात समझ में जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव आठ अंक के बाद रहता नंबर निकालते चार अंक के बाद पॉइंट डाल देते ये बात आई आपको समझ अगर खाली यहां रहा तो दो अंक के बाद पॉइंट डालेगा अब देखिए अगला अब सपोज मान लीजिए यहां पर देखिए अब आपको यहां पर ध्यान से देखते जाना है मान लीजिए थ्री रूट वन ट्वेंटी फाइव मान लीजिए ये तो तोड़ लेंगे चलो एक नंबर अलग देता हूं मैं इसको हटाइए मैं एक नंबर अलग देता हूं मान लीजिए यहां पे क्या नंबर ले लें कोई अच्छा नंबर ले लें क्या नॉर्मल भी नंबर ठीक ही है कोई दिक्कत नहीं मान लीजिए आपको दे दिया यहां पे सिक्सटी फोर तो आप तोड़ लेंगे सिक्सटी फोर का पेयर फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर तीन का पेयर बनाएंगे चार ये तो निकल गया अब देखिए जब यहां पे तीन होगा तो कम से कम तीन अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा जीरो पॉइंट जीरो सिक्सटी फोर कम से कम तीन अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा या फिर क्या कर सकता है छह अंक के बाद पेयर बनाना होगा तीन अंक के बाद बैठाएगा या छह अंक के बाद बैठाएगा या नौ अंक के बाद बैठाएगा या छह अंक के बाद बिठा सकता है जीरो पॉइंट जीरो 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 जीरो, जीरो सिक्सटी फोर या वो क्या कर सकता है थ्री घबराना मत ये सब क्वेश्चन जो देखे हो ना बहुत हैवी है क्वेश्चन दिखता है लेकिन घबराइए मत में इतना जबर कहता हूं आप खाली पढ़ने वाला छात्र बनिए अब मैं कह रहा हूँ अपने जीवन के मुझे आप छः सात आठ महीना दे दीजिए क्योंकि ये जो मैथ है इसमें टाइम लगेगा मैं पहले बोल रहा हूँ क्योंकि इसका तीन भाग में बटा हुआ है कि ना आप सोचिए ना कि रेलवे का मैथ कितना अच्छा होता है जानते हैं नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट तो जानता ही नहीं है मैथ कितना पढ़ना है कहीं इसको पता है मैथ पढ़ना है हवाई में रहता है और तो बात भी सही है हिंदुस्तान में मात्र दो से चार बच्चों को नौकरी लगती है वही ऑरिजिनल सिलेबस को समझ पाता है नहीं तो 95 परसेंट बच्चे को पे नहीं है पढ़ना क्या है मैथ के अंतर्गत खाली वो जानता है परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस पर उसको ये नहीं पता कि कितना पढ़ना है बीस से बाईस क्लासेज इसी की लगने वाली है नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन की ठीक है तभी तो रहा कराऊँ कि आप एक बार जब विश्वास करके आए हैं तो विश्वास कीजिए बताओ तो तो दिल न खुश का आपको लगेगा कि हमको यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर मिला जो पढ़ाया निश्चिंत हो जाएंगे मैथ के लिए खाली टाइम देना पड़ेगा इसमें मैं बार बार रहा कराऊँ टाइम लगेगा ये दो चार महीने की चीज़ नहीं है रेलवे का मैथ ये जीडी का मैथ नहीं है ये क्या कहते हैं कि एमटीएस का मैथ नहीं है इसका मैथ का एक दायरा होता है बहुत हैवी मैथ होता है ठीक है तो ये सीजीएल के लगभग लगभग लग इक्यू बैलेंट चला जाता है तो यहां पे क्या है थ्री अब यहां पे कितने अंक के बाद दे देगा नौ अंक के बाद घबराना नहीं है क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से बिल्कुल भी नहीं घबराना तो बहुत इजी है आप यहां पे चार इसका निकालेंगे तो चार तीन का पेयर बनाएंगे भी बता दिया ऊपर में अब तीन अंक के बाद पॉइंट तो तीन अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में नंबर निकाले हो तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा दो जीरो पॉइंट फोर इसका आंसर अब यहां पर छह अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर नंबर निकालो चार दो अंक के बाद पॉइंट बिठा दो जीरो पॉइंट जीरो फोर यहां पर तीन तीन छो तो चार निकालो पेयर बनाते जाओ और तीन अंक के बाद पॉइंट बिठा दो जीरो पॉइंट जीरो जीरो आ रही है बात समझ में क्लियर हो रहा है मान लीजिए यहां पे रहता रूट मान लीजिए कहा बताओ अब यहां चार है तो कम से कम चार अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा या आठ अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा तीन अंक के बाद पॉइंट नहीं बिठाएगा क्वेश्चन ही नहीं बनेगा फिर अगर ऐसा क्वेश्चन वो बनाया है तो फिर उसके साथ कोई और नंबर दिया रहेगा यहां पर जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो आ जाएगा ऑटोमेटिक बात को समझ समझे अब यहां चार है तो सोलह को तोड़िए तभी तो सोलह को मैंने आपको तोड़ना सिखा दिया था दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह चार का पेयर बनाएंगे तो एक दो बाहर निकल जाएगा यहां चार अंक के बाद पॉइंट है जब यहां चार रहेगा तो चार ही अंक के बाद पॉइंट रहेगा एक अंक के बाद पॉइंट निकाल देंगे क्या आएगा आंसर जीरो पॉइंट टू आए आई बात समझ में क्लियर हुआ कोई दिक्कत तो नहीं है आप देख लीजिए अगर मान लीजिए यहां पर फाइव है यहां पर क्या है फाइव है यहां पर फाइव है तो कम से कम पांच अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा कम से कम पांच अंक के बाद बहुत, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है इसके अंदर ठीक है तो ये पॉइंट है जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू फोर थ्री अब आप देखो यहाँ पे पांच है तो पहले तो नंबर का पेयर बनाओ जानते हो दो सौ तैतालीस किसका होता है मैं पिछले क्लास में बताया था नहीं याद होगा तो कैसे होगा तीन का पावर पांच तीन का पावर पांच होता है दो सौ तैतालीस और सात का पावर तीन होता है तीन सौ तैतालीस इसमें कभी डाटा कंफ्यूज मत करना मैं कुछ चीजें बता दिया था पचीस का क्यूब होता है पंद्रह हजार छह सौ पच्चीस और एक सौ पच्चीस का स्क्वायर भी होता है पंद्रह हजार छह सौ पच्चीस कुछ चीजें माइंड में रखनी है ये सब जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी अगर पंद्रह हजार छह सौ पच्चीस को क्यूब के टर्म में जरूरत पड़ी तो क्या लिखेंगे पच्चीस का क्यूब अगर स्क्वायर के टर्म में जरूरत पड़े तो क्या लिखेंगे 125 का स्क्वायर बेसिक चीज ये सब माथा में फिट कर लेना दो चार पांच दिन में इसको सब माथा में फिट कर लेना और एक से बत्तीस तक का स्क्वायर और एक से इक्कीस तक का क्यों वो याद रखना ही रखना तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों क्या लिख सकते हो तीन का पावर पाँच या आप ऐसे तोड़ लो दिक्कत है तो एक बाहर निकालो तीन आ गया अब यहाँ पे क्या है पांच का पेयर बनाना है तो पांच अंक के बाद तो बाहर निकालेंगे एक अंक के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा जीरो पॉइंट थ्री बहुत हैवी हैवी क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछ देता है बाबू बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ देता है आपको पूछ दिया वहां पे देखो क्वेश्चन वहां पर पता और क्या हल्के में ले रहे हैं क्या बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछता है इसके अंतर्गत ठीक है अब आपको वहां क्वेश्चन पूछा देखो यहां पे थ्री जीरो पॉइंट जीरो वन फाइव सिक्स टू फाइव डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कहेगा बताओ इसका, इसका आंसर क्या होगा हो इसका आंसर क्या होगा क्या होगा इसका आंसर अब कितना आसान है ये आपको पता है देखो 25 का क्यूब होता है 15625 को क्या लिख सकते हो 25 गुने पच्चीस 25 गुने पच्चीस 25. अब एक पच्चीस बाहर निकालो यहां पर कितने अंक के बाद तीन अंक के बाद तीन अंक के बाद तो बाहर निकालोगे तो दो अंक के बाद तो पॉइंट जीरो इसका आंसर क्या होगा जीरो पॉइंट टू फाइव आप लोग बताओ यहां तक ओके है यहां तक ओके है मैं आपको लिखने का टाइम देता हूं ये देखिए देखिए यहां तक ओके है ये पहले लिख लीजिए और ओके है और नोट कर लो जब भी मैं समझाता हूं तो पूरा फोकस समझाने पर करना ध्यान रखना नहीं तो दिक्कत होगी आप आधा ध्यान दोगे नोट करने पर आधा ध्यान दोगे समझने पर नहीं होगा जब भी मैं समझाता हूं तो पूरा ध्यान आप समझने पर ध्यान देना मैं नोट करने के लिए टाइम देता हूं आप देख लो और ओके बोल दो सर हां समझ में आ गया सौरभ विप्लॉग विप्लौ जगदीश आप सब जो भी हैं आपको सब समझ में आ रहा है एक बार मुझे ओके करें आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास हुई है इसको बढ़िया से रखिएगा क्लियर है सबसे तो भी नोट कर लीजिए मॉर्निंग में ज्वाइन किए हैं तो मॉर्निंग का बैच तो जबरदस्त होता है माथा एकदम मस्त रहता है माथा जो डालेंगे ना इसमें सब जाएगा क्लियर है नोट कर लिए है कंप्लीट अब देखिए वो क्या करता है यहां पे ये तो समझ गए सौरभ है कि चले गए हैं क्लियर है यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं अब वो क्या करता है ये सिंगल सिंगल भी दे देगा दे आपको ये सिंगल सिंगल भी दे देगा अब ये पॉइंट में भी दे देता है तो समझ मतलब सिंगल सिंगल भी दे देगा और ये मिक्सअप दे देगा जैसे देखिए मैं क्वेश्चन दिया यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको अब ये सिंगल सिंगल भी देता है और ये पॉइंट में भी देता है हर तरह का क्वेश्चन देता है मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर्टी नाइन प्लस थ्री जीरो पॉइंट टू वन सिक्स जीरो पॉइंट टू वन सिक्स प्लस फोर जीरो पॉइंट जीरो जीरो एटी वन आपको कहा सॉल्व करने के लिए बताओ क्या होगा अब इसमें कुछ नहीं है आपका बेसिक मैथ अच्छा होगा ही और अगर किसी स्टूडेंट का अच्छा नहीं है तो मुझे आप जरूर बताएं आप शर्मा नहीं यहां शर्माने के लिए आने नहीं है शर्माएंगे आने वाले समय आपका नुकसान होगा अब यह है गुंजाश आप सुधार कर सकते हैं अभी मैथ का जन्म हो रहा है अभी आप जितना सीख सकते हैं बेसिक जितना अच्छा कर सकते हैं कर सकते हैं आप अब इसमें क्या है अब आप आराम से इसको बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो उसमें क्या है कुछ नहीं है सिंगल सिंगल तोड़ दीजिए मैं एक बार बता देता हूं ठीक है इसका क्या होगा देखिए सात और चार अंक के बाद पॉइंट तो यहां खाली है तो दो अंक के बाद पॉइंट तो क्या हो जाएगा एक, दो अंक के बाद पॉइंट बनेगा तो जीरो पॉइंट जीरो, जीरो सेवन अब इसका तो ये तो हो गया छह गुने छुने छ तीन का पेड़ बनाएंगे एक बार तीन अंक के बाद तो एक जीरो पॉइंट सिक्स जोड़ना है देखिए यहां पे जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट वाले नंबर को कैसे जोड़ा था पता है सबको जीरो ऐसे मैच करवाते हैं पॉइंट मैच करवाते हैं जीरो पॉइंट सिक्स ऐसे अब इसके आगे जीरो लगाओ चाहे लगाओ लगाना है तो अपने मन से लगा दो तो नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं है पॉइंट मैच करवाना अब यहाँ फोर है तो ये क्या हो गया तोड़ेंगे कितनी बार मैं तोड़ा हूँ तीन गुने तीन गुने तीन, तीन एक तीन यहाँ चार अंक के बाद पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री तो ये क्या हो गया जीरो पॉइंट थ्री आराम से अब पॉइंट मैच करवाना अब आप इसको क्या करेंगे आराम से आप इसको सॉल्व कर दीजिए ये क्या हो गया सात और ये क्या हो गया नौ no, और ये क्या हो गया पॉइंट ये क्या हो गया जीरो जीरो पॉइंट नाइन सेवन एग्जैक्ट आंसर आता है वहां पे ऐसे ही जीरो पॉइंट नाइन सेवन आई बात समझ में क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं बना लेंगे आप लोग अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोग ये बना के दिखाइए मुझे अगर ये बना लिए समझिए आपका ओके okay, है कोई दिक्कत नहीं यहां तक एकदम मस्त है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बना के देखिए three zero point zero point one two five plus four four zero point zero zero one six Minus five five three three zero point zero point जीरो पॉइंट जीरो ट्वेंटी सेवन आप मुझे सॉल्व करके दिखाइए अगर आपने ये बना लिया समझिए आपका ओके है अभी तक डंडन डन डन देखिए और पहली क्लास जो आप लोग लिए थे तो उसका पीडीएफ मिला आपको प्रैक्टिस सेट का एक बार मुझे कंफर्म करना पहली क्लास जो आप लोग लिए थे उसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिला आपके पास आया क्लियर है सबसे कोई दिक्कत तो नहीं बना ली है सब लोग अब देखिए अब मैं आपको एक बार बता दूं क्या को देखिए ये क्या हो गया ये तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फाइव तीन है यहाँ पर तीन का पेयर निकालेंगे फाइव और यहाँ तीन अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे जीरो पॉइंट फाइव अब यहां पे चार है तो ये तोड़ देंगे कितनी बार तोड़े हैं दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह का पेर चार का पेयर बनाएंगे दो चार अंक के बाद पॉइंट पॉइंट जीरो यहाँ लिख देते हैं जीरो पॉइंट टू तो क्योंकि प्लस करना है कंप्लीट है यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये यह माइनस करना था यहाँ ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो अब देखिए यहाँ पे यहाँ तीन है तो इसको तोड़ दिए तीन गुने तीन गुने तीन ये कितना हो गया तीन तीन का पेयर बनाएंगे एक अंक के बाद पॉइंट तो जीरो इसको निकाला लेकिन यहाँ पहले नंबर दिया है फाइव तो इसको फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या जाएगा? तिया, आ जाएगा पाँच दिया पंद्रह एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट आपको देखो ये दोनों प्लस है ये दोनों क्या है प्लस तो प्लस करो तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन और ये जो आपने निकाला है ये ये माइनस है वन पॉइंट फाइव क्या है माइनस में है तो आप पहले वन पॉइंट फाइव माइनस का मतलब समझते हैं घटाएंगे बड़े में से छोटे को तो वन पॉइंट फाइव में से जीरो पॉइंट सेवन घटा दीजिए कितना हो गया पंद्रह पंद्रह में सात जाएगा आठ ये हो गया पॉइंट ये हो गया जीरो लेकिन यहां पर साइन है माइनस वाले का ध्यान से देखिए तो माइनस वाले का साइन है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये माइनस में मा आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट एट ओके है आप लोग देखो यहां पे ये आपको पता है ना मैं बेसिक जैसे माना आपको कोई पूछ रहा है कि थ्री माइनस फाइव माइनस इलेवन बताओ इसका आंसर क्या होगा तो ये पता है सबको आता है सोल्व करने जब भी ऐसे नंबर आए जैसे यहां माइनस करना था ना तो बड़े में से छोटे को घटाते हैं तो एलेवन में से फाइव गया कितना हो गया सिक्स एलेवन में से फाइव गया कितना हो गया सिक्स और साइन किसका लगाते हैं बड़े वाले का तो इसका आंसर क्या होगा माइनस सिक्स जिनको नहीं पता हो आप मुझे आराम से पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है कंप्लीट है सबसे देख आप लो आप लोग ओके है चलिए आप आपको मैं बताता हूं इसको पूरा पढ़ के आना इसकी अगली क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है रूट ही टॉपिक होगा अब इसमें बहुत हैवी हैवी नंबर आएंगे इसमें रूट ही टॉपिक होगा अब इसके अंदर बहुत हैवी हैवी नंबर आएंगे वो अगली क्लास में अब मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं प्रैक्टिस सेट का तो आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें तो क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे भी हैं अब आपको मैं यहां देता हूं आपको घर पे बना लेना है ये ठीक है ये आपका होमवर्क है एच डब्ल्यू है ये होमवर्क बचपन की चीजें याद ताजा कर लीजिए होमवर्क इसको सारा सॉल्व करके लाना ठीक है बना के लेके आइएगा थ्री रूट थ्री रूट थ्री रूट, रूट वन ट्वेंटी फाइव फोर रूट फोर रूट सिक्स ट्वेंटी फाइव फाइव इसके पीछे थ्री लगा दीजिए फाइव थ्री थर्टी टू रूट फोर्टी एट आोट कर लेना क्वेश्चन और घर पे बना लेना ठीक है रूट फोर्टी एट सॉल्व करना है थ्री रूट फोर्टी एट फोर रूट फोर्टी एट थ्री थ्री रूट फोर्टी एट बहुत इंपॉर्टेंट दिया हूँ फोर्टी एट वाला कंफ्यूज करता है आप मुझे बताना इसका ठीक है और नेक्स्ट पूछ लेना थ्री रूट वन थाउजेंड थ्री रूट वन थाउजेंड ठीक है थ्री रूट टू हंड्रेड फिफ्टी एट रूट एट रूट दो सौ छप्पन सॉल्व करके लाना है नोट कर लिया है इसको एट रूट दो सौ छप्पन कोई नहीं नोट करें आप इस सारा घर से बना के लेके आना है नोट कर लिए है अगला यहां तक नोट कर लिए है ना अगला जी फोर फोर रूट ट्वेल्व फाइव फाइव थ्री रूट थ्री का पावर थ्री का पावर ट्वेल्व ये ट्वेल्व है ये ट्वेल्व वन टू ठीक है सेवन सेवन का पावर सेवन सॉल्व करना है आपको सिक्स ट्वेल्व टू का पावर थर्टी सिक्स आपको सॉल्व करके लाना है ठीक है जी नोट कर लिए हैं कंप्लीट है अगला अब देखिए अगला फाइव रूट थर्टी सिक्स माइनस फोर फोर रूट सिक्सटीन सब जानते हैं अगर बार बार अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे बार बार इसको रगड़ेंगे इस डाटा ना याद हो जाता है एक समय आएगा फट से देखोगे बोलोगे सोलह का टू है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट करत करत अभ्यास जरमत होत सोजान सब प्रैक्टिस की चीजें हैं जितना बनाएंगे उतना ये निखर के आएगा प्लस फाइव थ्री रूट वन ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्स माइनस सिक्स फोर रूट एट्टी वन सॉल्व करके आइए ये पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट टू रूट टू माइनस फोर रूट फोर प्लस सिक्स रूट प्लस सिक्स रूट थ्री वन ट्वेंटी फाइव माइनस रूट एट प्लस फाइव रूट फोर सॉल्व करना है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट थ्री का पावर सिक्स माइनस थ्री सिक्स टू का पावर ट्वेल्व प्लस टेन टेन का पावर ट यहाँ भी टेन है टेन का पावर टेन माइनस टू टू का पावर टू आपको सॉल्व करके लाना है अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जीरो है यहाँ पे जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट प्लस फोर जीरो पॉइंट जीरो 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 फोर प्लस और जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो, जीरो जीरो वन सिक्स आपको सॉल्व करके लाना है ठीक है एक क्वेश्चन और नोट कर लिए हैं फटाफट नोट कर लीजिए क्लियर है सबसे कंप्लीट है आप लोग एक बार मुझे बताइए आप लोगों को पीडीएफ मिला है पहली क्लास का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिला है आप लोगों को घर से बना के ले लीजिएगा सारा प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्लास जो कल हुआ था उसका आपको एक तो क्लास नोट का मिलता है ये क्लास नोट पीडीएफ यही मिलेगा एक ये एक प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ मिला है आप लोगों को नहीं मिला है पीडीएफ पीडीएफ तो मिलना चाहिए मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ नहीं मिला है आप लोगों को नहीं मिला है आप देखिए आप लोगों ने रिकॉर्डेड सेक्शन में जाइएगा यस सर पीडीएफ मिला है फर्स्ट क्लास का हाँ सौरभ आप क्या करना जो आप जो है ना रेलवे वाला जो होगा तो आप जो लाइव क्लास में जाते हो ना तो लाइव क्लास में देखोगे ना तो आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाना लाइव होगा रिकॉर्डेड होगा रिकॉर्डेड वाले में जाना रिकॉर्डेड वाले पर जो पहली क्लास है एन एस एस वन क्योंकि नंबर सिस्टम एंड सिम्प्लीफिकेशन चल रहा है इसकी जो पहली क्लास होगा वहाँ देख लेना क्लास नोट का भी पी होगा और प्रैक्टिस सेट का भी पी होगा वहाँ पर दो पी डी एफ क्लिक करोगे पाँच मिनट आप ऐप पर थोड़ा टाइम दे देना तो आपको अपने आप को समझ में मिल जाएगा ठीक है वो मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है आप इधर इसको पूरा प्रैक्टिस करके आना कोई डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे और इसकी अगली जो क्लास होगी बहुत हैवी क्लास होगी मैं आपको बता के जा रहा हूं देखिए बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल कैसे निकालेंगे अब मान लीजिए अभी तो आपने छोटे मोटे नंबर का निकाला मान लीजिए आपको पूछ रहा है बताओ कोई रूट रूट ट्वेंटी फाइव क्या होगा तो फट से बोल दे रो आप फाइव लेकिन अगर आपको कोई पूछ दे कि बताओ डबल सेवन डबल फोर का वर्गमूल क्या होगा इतने बड़े नंबर का तो ऐसे तोड़ के तो नहीं निकाल पाओगे इतने बड़े नंबर का निकाल पाओगे तोड़ के नहीं निकाल पाओगे ना निकाल पाओगे नहीं जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा एक सेकेंड में आंसर निकलेगा दूसरा लगेगा नहीं अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ठीक है हैवी हैवी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे कोई भी नंबर पूछ सकता है ना बड़ी बड़ी क्यों नहीं बहुत हैवी नंबर था अब देखिए मान लीजिए यहां पे दिया है थ्री रूट एट आप इसका निकाल दोगे तोड़ के दो दूनी चार दूनी आठ निकाल लोगे पेयर अब मान लीजिए आपको पूछ दिया कोई बताओ थ्री का बारह हजार एक सौ सड़सठ बताओ इसका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है रेलवे के एग्जाम में डायरेक्ट तो बड़े बड़े नंबर का कैसे क्यूब रूट निकालोगे छोटे नंबर का तोड़ दोगे ना बड़े आपका मैथ कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो नाइन्थ ट्वेल्थ एमएससी बी एस सी कहीं तक ही कहेंगे इसका तरीका और कोई नहीं बताएगा होगा उस समय में, में भी बड़े बड़े नंबर का भी है लेकिन नहीं अगली क्लास माना आना एक सेकेंड में कह रहा हूं एक सेकंड में आंसर निकलेगा दूसरा सेकंड लगेगा नहीं आपको हम अगली क्लास का टॉपिक होगा यहां से पढ़ लेना पहले पूरा पढ़ के आना और मैं कह रहा रोज का रोज पढ़ना कल मंडे वेडनेसडे MW, और फ्राइडे वीक में थ्री डेज आप घबराइए अगर कोई एग्जाम नजदीक आएगा तो हम रेगुलर कर देंगे हमारा काम है कोई भी एग्जाम आएगा उससे सिलेबस पंद्रह दिन पहले कवर करेंगे लेकिन अभी आप इसको रिलैक्स मोड में चल दीजिए क्योंकि अभी आपको अच्छा लगेगा लेकिन दस दिन पंद्रह दिन के बाद ये बाउंस जाने लगता है समझ गए ना बहुत हैवी पार्ट है इसलिए आप आराम रिलैक्स होकर पढ़िए कोई टेंशन की बात नहीं है ठीक है ना हाँ थोड़ा टाइम दीजिए सौ सुनार की तो एक लोहार की ये ध्यान रखिएगा ये एक बार पढ़ेंगे चकना चूर कर देंगे रेलवे का मैथ का चाहे रेलवे के मैथ में कोई भी क्वेश्चन हार्ड चाहे हार्ड क्यों नहीं आए आपको छूटेगा नहीं तो टाइम देना पड़ेगा ठीक है चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है चलिए आज के लिए इतना ही अपने और अपनों का ख्याल रखें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें और मस्त रहें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखें ठीक है जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान